वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी मैं और धैर्य घर से बाहर आए हैं बिकॉज हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम था। हमें कुछ मेडिसिन लेके आनी थी घर के लिए, और जोई के लिए उसका पहली वैक्सीन उसके लगनी है रेबीज की, तो वो लेके आनी थी। इसलिए मैं और मेरा कज़न घर से बाहर निकले और बस सामान लेके बस हमें घर ही निकलना है। इसके अलावा हमें बिल्कुल नहीं रुकना है। आई नो दैट कोविड बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये हमारे काशीपुर के मार्केट के हाल है, जहाँ बहुत ही गंदी तरीके से भीड़ है, लिटरली बहुत गंदी। ओह शिट, ओके। मतलब इतनी के लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर लिया, मतलब चलने का और जगह भी नहीं है कोई जाने की और आने की। तो देख के हम दोनों भी घर से बाहर निकले, पर हमें जो था हमारा मेडिकल पे था, हमें मेडिकल इमरजेंसी थी, दैट्स व्हाई हम घर से बाहर निकले। मतलब हमें कोई ऐसा काम नहीं था जरूरी जाना। ओह शिट, ओके, बाइक रुक जाती ना अभी, तो इसलिए हम लोग बाहर निकले, नहीं तो हम बाहर नहीं निकलते घर से। तो बस अभी मेडिकल पे जाके कुछ मेडिसिन लेनी है, वो लेके घर सीधे घर वापस। इतना टाइम हो गया यहाँ पे रहते रहते, कॉलेज खत्म होने वाला है, स्कूल में थे जब से फ्लाईओवर बन रहा है, ये फ्लाईओवर का काम ही नहीं खत्म हो रहा सीरियसली। पर अब तो काफी अच्छे से तेजी से चल रहा है। अगर ऐसी कोविड में बीच में जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब हो जाता ना तो यार पूरा हो जाता, पूरा कम्प्लीट हो जाता। ओके, हलवे का वेट कौन कर रहा है? हलवा खाएगी ऐसे? हलवा खाने में बच्चे का? ओ चलो आपके लिए बनाऊंगी, बट विदाउट चीनी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। रेडी हो रहा है जो कि मैं बना रही हूँ और इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि अभी ना जोई के लिए हलवा बना देती हूँ, जिसमें चीनी ना हो तो वो अलग बनाना पड़ेगा। तो पहले वो रेडी करते हैं। सब ये मुझे लग रहा है अच्छे से उबल गया है, अब इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ा सा ना जल गया है। ओके, ये सब इन दोनों ब्लिप ब्लिप ब्लिप, ये जोई का है, ये मेरा है। पता नहीं इसमें क्या ही हो रहा है, पानी कम था शायद। वाओ, लग के तो सुंदर है। यार मम्मी ने हलवा तो ट्राई कर लिया पर अब तक बोली कुछ नहीं। चलो पूछते हैं उनसे कैसा लगा। बहुत बुरा लगा। अरे इतना सारा घी डाल के मैंने हलवा बनाया, ऐसे कहोगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ऐसा देख। उसे चॉकलेट की खुशबू आ रही। अरे मैंने सोचा थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट करते हैं चॉकलेट डाल के, मैंने चॉकलेट डाल दी भाई। लगा तो अच्छा, किसी को मिट्टी का तेल या सैनिटाइजर डाल के हलवा मत बना, समझ गए? कभी सोचा पेट सैनिटाइजर कर दो इनका? ऐसे कहोगी तुम मेरे खाने के बनाए हुए को? मम्मा कोई स्वाद नहीं आया कितना, कितनी सारी चीज़ें डाल के। सो गाइस अभी अभी अमेजोन से एक और पार्सल आ गया है, तो अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और मैंने क्या मंगाया। सो अनबॉक्सिंग करें। ओह क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ओके, मेरा बेड बहुत गंदा हो रहा है इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो देखो। सो चलो सैनिटाइजर करेंगे सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट आजकल यही है यार, मास्क और सैनिटाइजर इज लाइक बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके सो ओपन, अब इसे कैसे इसके अंदर से निकालूं? जोई कम, चलो इसे निकालते हैं बॉक्स वाले। भाई साहब ये फंस गया इसके अंदर। ओके ये
सो जैसे कि सबको पता है कि इस टाइम कोविड का कितना ज़्यादा चक्कर चल रहा है और कोई बहुत आवाज़ें कर रही है बाहर जाने के लिए, क्योंकि और ये बाहर ना कुछ लोग आए हुए हैं हमारे घर पे कुछ काम के लिए, तो इसलिए जोई को बाहर नहीं लेके आ सकते, वो बहुत डरते हैं। तो अभी जैसे सबको पता है कि कोविड चल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम खांसी जिसको कोविड नहीं भी है उनको हो रहा है, तो इस वजह से ये मंगाया गया मम्मी के लिए। उन्हें कभी भी गले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, दैट्स व्हाई वो स्टीम लेती हैं तो ठीक हो जाती है, और इसलिए मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि ये वाला ऑर्डर करते मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो फाइनली मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर कर दिया है और ये आ भी गया। अब मम्मा इज़ लाइक वाओ अब ठीक हो गया है, बहुत इजी हो गया है ना, तो पानी गर्म करने की ज़रूरत और ऐसे तरीके से स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई पार्सल में, परफेक्ट पार्सल है, उसके अंदर सामान भी सारा है। किसी किसी में डिफेक्ट हो जाते हैं, किसी किसी में नहीं होता है, जैसे पहले हो गया था, ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाले में मुझे बहुत गुस्सा आया था, बट दिस वन इज़ नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ है, सारे पार्ट्स है इसके। और हाँ, मम्मा बोल रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब ले लिया करो। मैंने कहा है ज़रूरत क्या है सबको लेने की, बट मम्मा इज़ लाइक नहीं, सबको हर दिन एक बार स्टीम लेके सोना है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, बट ठीक है यार, अगर घर वाले बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। और यही नहीं यार, जब मैं नोएडा से घर वापस आई हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा जुकाम और सब खांसी हो गई थी, तो पहले नहीं आ रही थी, पीछे खांसी हो गई थी, अभी ठीक हूँ मैं, क्योंकि मम्मा के काढ़े और ये सब पी पी के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सुबह उठ के काढ़ा मिलता था, सोने से पहले काढ़ा मिलता था, दिन में भी कभी भी काढ़ा मिल जाता था, अगर मुझे खांसी ज़्यादा हो जाती थी मुझे कभी कभी रोकनी पड़ती थी, रुक जा भाई अगर खांसी आ गई ना तो काढ़ा दिख जाएगा। वापस सफाई चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के सफाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के सफाई कर रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर मैंने फेस के लिए आइस, अरे ओके तो ये सब आइस अच्छे से जम चुकी है और अभी ये हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, ऐसा इसको डाल दिया उसके अंदर एंड मैं इससे अपने फेस को अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करूँगी, लाइक यप्स। सो उससे क्या होगा, मैंने इसके अंदर हल्दी मिला रखी है पानी के अंदर, जिससे मैंने आइस बनाई है, और आप अपने फेस पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में करते रहेंगे, लगभग 10 मिनट करना है। इससे फेस पे पिंपल्स नहीं होते और यू नो दैट कि टर्मरिक क्या काम करती है। सो मेरा मसाज डन हो गया है और आप ना धीरे धीरे स्किन में डिफरेंस देखते रहोगे पक्का, अगर आप ट्राई करोगे ना और आपको अगर रिजल्ट मेरा अच्छा मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो। हर जो है सफाई चल रही है काफ़ी, मतलब मम्मा पापा दोनों लगे हुए हैं सफाई में, बिकॉज वो ये भी छोटी है तो घर में ही वॉशरूम, लाइक अभी उसमें अच्छे से आदत नहीं डली है, घर वाले गुस्सा भी कर रहे थे आज बहुत ज़्यादा इस चक्कर में, और जोई को पनिशमेंट मिली है, बाहर बांध दिया उसको आज पहली बार जोई ने, मतलब गले में पट्टा बांधा है तो बाहर है वो, और बहुत चिल्ला रही थी अभी तक, अभी शांत है और बीच बीच में आवाज़ आ भी जाएगी आई थिंक आपको तो वो बाहर भी बांध दिया, और इसलिए भी बांधा है क्योंकि घर में सफाई चल रही है, पानी वानी हो रखा है काफ़ी, तो जब वो आई थिंक घर वाले खोल देंगे, नहीं तो मैं खोल दूंगी तो अभी सुनते हैं, देखो देखो आवाज आ रही है। जोई को बिल्कुल आदत नहीं है बाहर की, अभी मेरा क्यूटू कहाँ है, और ये रहा छोटू किसे बैठा है प्यारा से, और अरे यार बड़ा अजीब लग रहा है, बस कुछ देर रुक जा बच्चा, अभी सफाई चल रही है, मम्मा पापा दोनों ही लगे हुए हैं। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही, और जोई को हम खुल चुके हैं क्योंकि तो थोड़ा परेशान करती है इसलिए उसको बांध रखा था, अभी सफाई भी हो चुकी है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना।